नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस टाइम डिकुली में रुका हुआ हूँ। डिकुली जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की शुरुआत हम इसे कह सकते हैं। आप देख भी सकते हैं कि कितने रिजोर्ट्स, कितनी सारी प्रॉपर्टीज, रुकने के ऑप्शंस यहाँ पे हैं। इवन यहाँ पे ताज भी बना हुआ है जो 5-स्टार होटल है। दोस्तों अभी यहाँ बीते कुछ दिनों पहले, अराउंड 4 से 5 दिन पहले एक टाइगर अटैक हुआ था जिसमें 50 वर्षीय महिला की जान चली गई थी। तो जिस एरिया में टाइगर अटैक हुआ था उस एरिया में ही मैं आजकल रह रहा हूँ और वहीं पे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोशिश भी कर रहा है कि उस टाइगर को, जिस टाइगर का नाम किलिंग में आ रहा है, उस टाइगर को ह्यूमन पॉपुलेशन से दूर रख सके। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो राइट पे ये सारा कोर एरिया है, वो यहीं पे टाइगर अटैक हुआ था, और लेफ्ट पे ये सारा बफर जोन है, गांव, डिकुली गांव। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक चीज दिखाई थी कि रात को मैं पूरी रात जाग के, मतलब मैं एनिमल्स की जो मूवमेंट थी वो ट्रैक कर रहा था। तो एनिमल्स इतनी लाइट में मुझे तो दिख रहे थे, लेकिन टॉर्च ना होने की वजह से, टॉर्च, जैसे कि मैं टॉर्च नहीं मार रहा था और टॉर्चिंग पे यहाँ काफी है भी सकती, लेकिन ये है कि दोस्तों एनिमल्स की मूवमेंट ट्रैक करने में तो शक्ति रहेगी भी और टॉर्च दिखेगी भी, लेकिन जैसा कि इतनी रोशनी में एनिमल दिख जाएगा और मैं टॉर्च मार के उसे फिर आप लोगों को भी दिखा सकता हूं। तो दोस्तों आज फिर से मैं वही वाली कोशिश करूंगा, पूरी रात मैं इंतजार करूंगा मूवमेंट आने का। देखिए राइट वाला जो एरिया है ना, इधर से जो राइट वाला एरिया है दोस्तों, ये सारा वही एरिया है, कोर एरिया। अभी तो जैसे कि अभी कुछ समय ज्यादा नहीं हुआ है, अभी तो 6:30 कितने समय हुए, 6:30 का समय हुआ है दोस्तों, इसलिए अभी आप लोगों को कुछ लोग पैदल चलते हुए भी दिख जाएंगे। जैसे जैसे अभी रात ढलेगी, रात घिरेगी और 8-9-10 बजेंगे दोस्तों, फिर यहां कोई नहीं निकलता बाहर। हालांकि इसमें भी खतरा है, क्योंकि मैं खतरा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, अभी क्या हुआ था कि अभी जैसे अभी मैं आ रहा था तो जैसे कहते ना एक शोर सा मच जाना, एक अभी शोर भी मच गया था कि टाइगर टाइगर, क्योंकि ये पीछे की तरफ जो है ना ये सारा कोर एरिया है दोस्तों, और कोर एरिया में तो टाइगर है ही है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कोशिश पूरी रहेगी, टॉर्च तैयार रहेगी। आज जैसे एनिमल आएंगे आज मैं उनको दिखाने की आप लोगों को कोशिश करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को देखनी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वैसे तो आप लोग जानते हैं कि मेरा जो चैनल कंटेंट होता है वो ऐसे जंगल का होता है, एकदम बियाबान टाइप, लेकिन और वैसे कंटेंट अब आने भी वाला है जैसे तया गांव हुआ, ये सब हुआ, लेकिन अभी जैसे कि डिकुली में माहौल काफी गर्म है ना, तो मैं डिकुली में ही रुका हुआ हूं दोस्तों। गाड़ियां रात को बंद हो जाती हैं तो सिचुएशन यहां भी खतरनाक हो जाती है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों एक वाली जो कहावत है ना कि जो होता अच्छे के लिए होता है, तो अभी मैंने टॉर्च चार्ज पे लगा रखी थी, अच्छी खासी टॉर्च चल भी रही थी, सब कुछ था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया टॉर्च में, टॉर्च ही चलना बंद हो गई। इसमें भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे टॉर्चिंग करना अलाउड नहीं है इस जंगल में, हम टॉर्च मार सकते हैं अपने गांव की तरफ, अंदर की तरफ, राइट की तरफ, मतलब राइट की तरफ इन द सेंस अपने पीछे की तरफ, आगे की तरफ टॉर्च नहीं मार सकते यहाँ, ये सामने कोर एरिया है ना, ये कोर एरिया की तरफ टॉर्च नहीं मार सकते। जंगल में ये रूल तो दोस्तों हर जगह बना हुआ है, लेकिन फॉलो कहीं कहीं होता है और सख्ती से फॉलो होता है इस एरिया में। तो डिकुली हुआ, मोहान हुआ, यहाँ 5,000 रुपये जुर्माना है टॉर्च मारने पे, सजा भी हो सकती है
5,000 देने के बावजूद भी, जुर्माने के बावजूद भी। लेकिन जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था, लाइट तो यहाँ गाड़ियों की पड़ती रहती है, आती रहती है यहाँ गाड़ी हर थोड़ी देर में। दोस्तों कल वाली वीडियो में एक कमेंट ये भी आया था कि जैसे रात को 10 बजे जंगल की बैरिकेडिंग बंद हो जाती है, और जैसे अभी रात के 12:30 के आसपास का समय हो रहा है, तो ये गाड़ी कहाँ से आ रही है फिर जब बैरिकेडिंग बंद हो रखी है। तो दोस्तों इसका एक आंसर है कि 10 बजे रात को बैरिकेडिंग बंद तो हो जाती है, लेकिन जैसे मोहान में बैरिकेडिंग है, मरचुला में बैरिकेडिंग है, लेकिन जो ये डिकोली है ना, ये खुद में ही इतना, मतलब एक कहते हैं ना कि पॉपुलेटेड है, एक तो यहाँ खुद की पॉपुलेशन है, दूसरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा चल रही है चीज़ों की, तो यहाँ पे जो ये रामनगर से जो सामान आता है ना वो तो यहाँ तक आ ही जाता है, वही जो सामान वगैरह की जो गाड़ियाँ होती है ना, या लोग बाग यहाँ तक तो आ ही जाते हैं, क्योंकि जो बैरिगेटिंग है वो मोहान में है, मोहान तक तो पहुँचा जा सकता है लेकिन उसके आगे नहीं जाया जा सकता। तो ये जो गाड़ियाँ होती है ना, जो गाड़ियाँ रात को, जैसे अभी यहाँ पे इतना लेट हो रहा है, बैरिगेटिंग बंद है मोहान में जंगल की, तो भी गाड़ियाँ आ रही हैं दोस्तों, ये वही गाड़ियाँ हैं। तो जंगल में मूवमेंट की पूरी आवाज आ रही है, मतलब जानवरों के चलने की है सामने की तरफ से। इस पूरे एरिया में जानवर बहुत रहते हैं, जो टाइगर बुल की लड़ाई हो रही थी ना, मैं भी पूरा नजर बना के बैठा हूँ हर तरफ, क्योंकि भले ही मैं थोड़ा अंधेरे में खड़ा हुआ हूँ और अंधेरे में ही देख रहा हूँ, लेकिन वो मुझे क्लियर देख रहे हैं। लाइट तो वैसे ही हल्की हल्की हो रही है, थोड़ा थोड़ा मुझे भी दिख रहा है। दोस्तों जो टाइगर और बुल की फल लड़ाई हो रही थी ना, जो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जहाँ पे टाइगर और बुल लड़ रहे थे, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सामने होगी वीडियो थी, जहाँ मैं खड़ा होकर वीडियो बात कर रहा हूँ ना आपसे, एग्जैक्टली बिल्कुल सामने की। यहाँ पे टाइगर ने पकड़ लिया था एक सांड को, बुल को, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया था, वही वाला टाइगर था ये, बड़े साइज वाला, तगड़ा है बहुत ये, बिल्कुल एग्जैक्टली सामने की बात है ये। जून पूरा नजर बना के रखने वाला है दोस्तों ये। ये जो कब्रिस्तान वाला फैक्टर है ना, ये इस जगह को और भी ज्यादा, मतलब जो फेमस कर रखा है ना लोगों ने, हॉन्टेड है हॉन्टेड है, वो इस जगह को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। फिर एक गाड़ी आ रही है, दोस्तों ऐसे गाड़ी पूरी रात ही आती रहती है। देखो पूरे जंगल पे लाइट गई ना, गाड़ी आती तो पूरी जंगल पे लाइट जाती है।
दोस्तों वैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मैं डिकोली में रह के मतलब वीडियोस वगैरह बनाता नहीं हूँ। मैं आप मेरा कंटेंट देखोगे ना, मेरी जितनी भी वीडियोस देखोगे वो इधर के क्षेत्र से बहुत कम देखोगे आप, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी इतनी चलती है और जब गाड़ी चलती है तो वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ही होती है। वो बेचारे कल जो हिरन घूम रहे थे यहाँ पे होंगे वो अभी भी हैं कहीं, लेकिन गाड़ी की वजह से पीछे को ही रहते हैं। एनिमल बहुत हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते गाड़ी की वजह से। दिख रहा है मुझे कहीं कहीं कि कोई कोई एनिमल बैठा हुआ है, हेड दिख रहा है किसी का, कुछ दिख रहा है ऐसे जैसे गाड़ी की लाइट आती है ना उसमें दिखता है, लेकिन बाहर नहीं आते। दोस्तों ये वाली जो चीज़ है ना, ये यहीं तक ही है। डिकोली हुआ, मोहान हुआ, यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, लेकिन जैसे वो मरचुला वाला एरिया हुआ या बाकी का जितना जंगल हुआ ना, वहाँ गाड़ियाँ बिल्कुल भी 10-11 बजे के बाद तो आपको बिल्कुल गाड़ी की आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। वहाँ फिर जानवरों की आवाज़ हाई हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, आप सुनने की कोशिश करो, जंगल की वजह से आवाज़ तो आ रही है सामने कब्रिस्तान की साइड से। आवाज़ तो पूरी आती है यहाँ भी। अभी तो थोड़ी देर पहले थोड़ी कॉलिंग की सी आवाज़ भी आ रही थी, और वो भी संबर डियर की, जिसकी कॉल एकदम कंफर्म कही जाती है। दोस्तों आज देख रहे हैं, आज अगर यहाँ से कोई मूवमेंट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो प्रे करेंगे भगवान कोई दूसरा टाइगर अटैक ना हो इस पूरे एरिया में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वैसे अलर्ट है ही, और हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, मरचुला की तरफ बढ़ेंगे, गांवों की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों अभी मैं रूम के अंदर बैठ के जंगल की आवाज़ ही सुन रहा था। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कॉलिंग कॉलिंग हुई है, सांबर डियर की कॉल इधर की तरफ से। दोस्तों वो जो थर्मल डिवाइसेस आते हैं ना, थर्मल कैमरा, थर्मल बाइनोकुलर, तो काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि जैसे हम इतना जंगलों का कंटेंट बनाते हैं तो थर्मल डिवाइसेस जो रात में डिवाइसेस देखने वाले होते हैं वो यूज़ क्यों नहीं करते। तो दोस्तों आप गूगल करके देखना, जो थर्मल डिवाइसेस होते हैं ना इंडिया में यूज़ करने इलीगल हैं, उनको सिर्फ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज ही यूज़ कर सकती हैं, जैसे हमारी इंडियन आर्मी हो गई, फोर्सेस हो गई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया फॉर ट्रैकिंग पर्पसेस, लेकिन हम लोग नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इस एरिया में जैसे टॉर्च नहीं मार पा रहे ना, इसलिए मैं जिन एरियाज़ में जैसे जो जंगल के एरियाज़ होते हैं, जंगल के गाँव होते हैं, वहाँ हम टॉर्च मार लेते हैं, लेकिन वहाँ भी थर्मल डिवाइसेस यूज़ नहीं कर सकते हम। अगर मान लो मैं थर्मल डिवाइस यूज़ करूँ और वीडियो बना लूँ उससे, उसकी हेल्प से, और दिखा दूँ, तो वो इलीगल एक्टिविटी हो जाएगा। दोस्तों आपने सुनी अभी आवाज़?
की गाड़ी आ रही है। गाड़ी की लाइट पड़ती है ना, दोस्तों गाड़ी बिल्कुल रेगुलर है, हर 10-15 मिनट में, रात के 2 बज रहे हैं तो भी गाड़ी आ रही है। थोड़ा बाहर को आके देखूं, तो टू व्हीलर का इस तरह से निकलना ये तो बहुत ही खतरनाक सी सिचुएशन है। रात को 2 बजे टू व्हीलर पे चलना है यहाँ इस जंगल में, लेकिन वही है ना, ढिकोली के तो अब लोग जंगल मानते ही नहीं, मतलब ढिकोली को तो ऐसा समझते हैं कि बिल्कुल ये कुछ है ही नहीं। और अभी इन्हीं वजह से ही यहाँ पे टाइगर अटैक हो गया, कहीं ना कहीं इस हादसे में अभी जो टाइगर अटैक हुआ है। इसमें टाइगर तो जंगल से बाहर आके किसी को अटैक नहीं करके गया, गलती हुई हमारी साइड से ही, मतलब ह्यूमन की साइड से ही, कि हम अंदर गए, मतलब एक लेडी अंदर गई दूसरी लेडीज के साथ और टाइगर ने पकड़ लिया। दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि वो टाइगर है, टाइग्रेस है, बहुत सारी बातें चल रही हैं ढिकोली में। कोई कह रहा पिंजरा लगा हुआ है, कोई कह रहा पिंजरा नहीं लगा हुआ है, कोई कह रहा टाइगर है, कोई कह रहा टाइग्रेस है, कोई कह रहा एक से ज़्यादा टाइगर है, बहुत सारे टाइगर है, मतलब बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन आती रहती है। दोस्तों अब सुनिए आपने आवाज़, हल्की हल्की कॉल है, कॉलिंग हो रही है हल्की हल्की, अंदर की तरफ से है। ये सामने कब्रिस्तान वाला एरिया नहीं, बियाबान जंगल, रोहिणी के पेड़, जामुन के पेड़, साल का जंगल, है आवाज कॉलिंग की। दोस्तों जानवर के मूवमेंट की आवाज भी है, चल रहे हैं ना जानवर, उनकी आवाज तक आ रही है। यहाँ इतनी लाइट तो है कि दिख रहा है मुझे हल्का हल्का जंगल, गाड़ी तो रेगुलर है ही है। दोस्तों मैं तो टू व्हीलर वाला देख के एकदम शॉक हो गया, कि मतलब इतनी रात को टू व्हीलर, क्योंकि सिर्फ ये हमारी, मतलब जो चीज़ अवॉइड की जा सकते हैं दोस्तों वो तो अवॉइड होनी ही चाहिए। रात को 2 बजे 2:30 बजे टू व्हीलर पे चलना, वो भी टाइगर अटैक हो रखा है इसी एरिया में, यहाँ से निकलना। टू व्हीलर तो दिन में भी खतरनाक होता जंगल में, जंगल के एरियाज में, लेकिन चलो ढिकोली को तो जंगल ही नहीं मानते दोस्तों आज के टाइम में लोगों की मेंटेलिटी में, मतलब जो जिन्हें नॉलेज है उनके लिए तो जंगल है, बाकी तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल है।
लेकिन है ये बियाबान जंगल, यहाँ तभी टाइगर अटैक होते रहते हैं। फिर दोस्तों आवाज तो पूरी है फॉरेस्ट में। इस टाइम अगर बंदा यहाँ से नीचे उतर के या सामने चला जाए ना, ये सामने वाले पेड़ तक चला जाए, ये पेड़ से पकड़े है ना, वो दिख नहीं रहे लेकिन ये सामने जो पेड़ है ना दोस्तों, टाइगर की आवाज भी है यहाँ पे। यहाँ कुछ अंदर से रही है, कुछ कुछ मीटर के अंदर से होगी ये, लेकिन आवाज तो है यहाँ। अगर गाड़ी बंद हो जाए ना प्रॉपर तरीके से, फिर तो टाइगर ही बाहर ही खड़ा हुआ दिखे। दोस्तों फाइनली जंगल की एक ठंडी सी सुबह की शुरुआत हो चली है। जैसे कि अभी तक तो हम जंगल की बिगनिंग में ही थे, डिकोली में ही थे, आज मैं जंगल में अंदर की तरफ बढ़ूंगा, मतलब डीप लोकेशंस की तरफ बढ़ूंगा, डीप फॉरेस्ट की तरफ बढ़ूंगा, गांवों की तरफ बढ़ूंगा। सफारी की गाड़ी अभी निकल गई है मॉर्निंग सफारी के लिए। दोस्तों वो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आज जैसे कि लाइट का नुकसान हो गया ना, टॉर्च बंद हो गई है, और आने वाले वीडियोस में तो टॉर्च की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो ये भी एक फैक्टर रहेगा कि टॉर्च कैसे ठीक कराने हैं। क्योंकि दोस्तों ये छोटी मोटी चीज़ें जैसे टॉर्च भी होती है ना, टॉर्च वगैरह भी अगर ख़राब हो जाए ना, तो इधर तो मार्केट उसकी भी नहीं है इतनी डेवलप्ड, रामनगर वगैरह की मार्केट इतनी डेवलप्ड नहीं है, टॉर्च भी ढूंढने एक ट्रबल सिचुएशन रह सकती है। दोस्तों ये सुबह 5:30 बजे का ट्रैफिक है, तभी बस मैं सही बताऊँ ना आपको, यहाँ से मैं था यहाँ पे, मैं टाइगर अटैक को कवर कर रहा था, टाइगर अटैक के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था, तो दोस्तों मैं यहाँ रुका भी हुआ था, नहीं तो मैं तो जंगल में मतलब ऐसी जगह रुकना ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करता अब, मतलब जब से मुझे जो मतलब लाइक यू नो कह सकते हैं कि जब से डीप फॉरेस्ट में रहने की थोड़ी सी हैबिट हुई है ना, हालांकि मैं तो जंगलों में दोस्तों सालों से घूम रहा हूँ, लेकिन वो जो लेवल होता है वो नेक्स्ट ही होता है। देखिए पहाड़ की गाड़ी भी सुबह सुबह बढ़ चली है पहाड़ की तरफ, हैव अ सेफ जर्नी। चलिए दोस्तों करते हैं, टॉर्च का भी इंतज़ाम करेंगे, टॉर्च भी नहीं ले पाए तो नहीं लेंगे, अगर मिल गई तो, क्योंकि तया गांव है जैसे वो डीप फॉरेस्ट वाले गांव है ना, जंगल वाले गांव, वहाँ टॉर्च की बहुत बहुत रिक्वायरमेंट है। चलिए दोस्तों जो भी होता है नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करते हैं, चैनल के साथ प्यार बना के रखें, चैनल को प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो भी होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार ख्याल रखें। देखिए अब तो थोड़ा आसमान भी दिखने लगा है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हर हर महादेव।